गांधी पार्टी की सरकार आई तो उनका रंग हरा है तो उन्होंने हरा दे दिया। प्रयास कर रही है, आपने कल देखा भी होगा कि एक रथ निकाला गया है यज्ञ करने के लिए, उसमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण बुलाए जाएंगे और मार्च में उसका समापन होगा और दिल्ली में वो बड़ा यज्ञ होगा। मतलब ये यज्ञों की सरकार है या ये गाय के नाम पर या लव जिहाद के नाम पर या जो है गाय के मांस के नाम पर गोबर के ऊपर इस तरह लड़ने और लड़ाने वाली सरकार है? क्या इस सरकार को जो इस देश के इंसान हैं उनकी कोई परवाह नहीं है? उन बहनों की कोई इससे चिंता नहीं है जो बहन इस देश को चलाती है, जो बहन इस देश का मान सम्मान है, जो बहन अपना सर्वस्व नौछावर करके हमें अच्छा से अच्छा जीवन देने का प्रयास करती है? क्या इस सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं देता? लगता तो ये है कि कितनी बार बार आवाज उठाने के बाद, कितने आंदोलन करने के बाद भी सरकार कुछ भी बात मानने को तैयार नहीं है। और ये देखिए कि इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी सरकार की कि दो महीने जो आंदोलन किया है, आंदोलन केवल जबरदस्ती हमने नहीं किया, हमें मजबूर होना पड़ा। सरकार यही भाजपा की सरकार है जिसने अपने घोषणा पत्र में, जिसे इन्होंने संकल्प पत्र कहा, उस संकल्प पत्र में इन्होंने 120 दिन के अंदर सरकार आने के बाद आंगनवाड़ी बहनों का न्यायोचित मानदेय बढ़ाने का घोषणा की थी। लेकिन 120 दिन निकल गए, उसके बाद फिर 120 दिन निकल गए और अब फिर 120 दिन निकल गए, लेकिन अभी तक भी सरकार अपने किसी भी बात को, अपने ही किए गए वादे को मानने को, पूरा करने को तैयार नहीं है। तो हमने सिर्फ सरकार से यही कहा कि भाई जो आपने अपना वादा किया है उसे पूरा करो, और बाकायदा सरकार को नोटिस देकर, सरकार की जानकारी में लाकर हमने आंदोलन शुरू किया। और अक्टूबर 21 अक्टूबर से लेकर 21 दिसंबर तक 7 दिन हमने अपना आंदोलन चलाया, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, बड़े लोकतांत्रिक तरीके से हमने अपनी बात सरकार के सामने रखी। लेकिन ये बेरहम और बेशर्म सरकार, ये अंधी और बहरी भूखी सरकार, जिसको मैंने आपको बार बार कहा है, कहीं भी सुनने को तैयार नहीं है, झूठ बोलती है, झूठने वाली सरकार है, सच न कहना चाहती है, न ही सच मानना चाहती है और न ही सच करना चाहती है। ऐसी सरकार से हमें लड़ना पड़ रहा है। तो हमने सारा सब कुछ कानून के तहत किया, हमने सारा सब कुछ नियम कायदे कानून के तहत किया, उसके बावजूद भी हमारा 2 महीने का मानदेय काट दिया गया। यहाँ मेरे साथी हैं पुलिस वाले, जो भाई हैं ये भी प्रशासन के साथी हैं, इनसे जरा एक बार ये भी अपने अगर देखें कि अगर किसी आधी भी तनख्वाह काट ली जाए 1 महीने की तो क्या हाल हो सकता है। और यहाँ तो देते ही कुछ नहीं, मात्र 4,000 देते हैं, उठाएगा और सही काम को देते हैं, उसमें भी 2 महीने का जिसमें हमने अपने हक की लड़ाई लड़ी वो भी इन सरकार ने काट लिया। इन हालात में हम कैसे जिंदा रहे, इन हालात में हम कैसे जिए, कैसे मान सम्मान से जी सकते हैं? अरे रोटी नहीं मिल रही, बाकी तो और सारी चीजों की तो बात ही छोड़िए। आप कुपोषण के लिए आंदोलन चलाएगा, आंगनवाड़ी आंदोलन इसलिए चला गया 1975 में ताकि देश में कुपोषण की व्यवस्था, जो कुपोषण की हालत है वो खत्म हो सके। लेकिन जिनके सिर में ये जिम्मेदारी सौंपी गई, पहले आप उसी का कुपोषण खत्म कर दें, वही कुपोषित है उसी को खाने के लिए ढंग से नहीं मिल रहा, बच्चों को पढ़ाने की तो बात दूसरी है, तो बाकी सबका कुपोषण कहाँ से खत्म होगा? तो हमारा सरकार से बार बार ये निवेदन है कि सरकार जागे। ये कैंडल मार्च हम इसलिए कर रहे हैं सरकार को रास्ता दिखाने के लिए, रोशनी दिखाने के लिए। बेशक बड़े बड़े उद्योगपतियों की चकाचौंध में वो आज अंधी हो रही है, लेकिन फिर भी अगर उसमें कहीं भी सच्चाई बची है, कहीं भी समझ बची है, तो हमारी बात को सुने, हमारी मांगों को समझे ध्यान से और हमारी मांगे पूरी करे ताकि हमें आगे संघर्ष करना न पड़े। और अगर नहीं हुआ तो हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई सड़क पर लड़ेंगे और जो भी हो सकेगा प्रजातांत्रिक तरीके जितने भी हैं हम उससे अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बस इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और बहन जी सावित्री जो है उनसे कहूँगा कि वो आए और बहनों को संबोधित करें।